12 साल हो गए मेरी शादी में, लेकिन गुड़िया 10 साल दी। और तो बाद मेरे बहुत केस खराब हुए, 7-8 केस खराब हुए। और तो बाद मेरी एडमिशन मैंने बचाया, फिर मुझे एडमिशन ठीक ठाक रखा। हाँ पास्टर जी है ना, अठ अठ घर आते रहे, दो आदमी करते रहे, बच्चे ने ठीक हो, सी एम ने बच्चे ने ठीक। हालेलुया। इन्हां दी गवाही ये है कि जो असी इन्हों के घर में गए आंटी आशा लैके, इन्हों के घट्टो घट ही दस रहे हैं कि 9-10 बच्चे जो मिसकैरेज हो गए। मिसकैरेज का मतलब 9-10 बच्चे जो है इन्हों के मर चुके थे। जो तीसरा महीना लगता सी बच्चा डैड, तीसरा महीना लगता बच्चा डैड, एक बच्चा इस तो 8वें महीने बाद डैड हो गया। 8-9 बच्चे इन्हों के इस तरह ही मरे हैं। जो पर इन्हों के घर में लैके गए तो जो असं इन्हों के घर प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर का आत्मा बड़े जोर के इन्होंने घर प्रार्थना की, तो उत्थे मैं एक प्रोफेसाई की इन्हों के उपर कि परमेश्वर का वचन इस समय सानू दस रहा है। परमेश्वर दस रहा है कि आज तो बाद अगर तुसी विश्वास करोगे 100% मैं वचन की गारंटी दिंदा, ताड़ा बच्चा डैमेज नहीं होगा। हालेलुया। और अज तो बाद इन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और 7वें महीने बाद इन्हों की डिलीवरी हुई और परमेश्वर ने बच्चे को तंदुरुस्त दिता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इन्हें 10-12 साल बाद तो फिर बच्चे की आशीष दी। आइए इस गवाही परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।